फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, उस दौरान उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। तो हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या। मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहाँ से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहाँ से। हाँ नहीं, वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे। और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा, उन्हें सब पता था कि उनकी, उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है। और ये 2 लड़की थी, एक की हमने, एक को हम, हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं, और एक भाग गई है, उन्हें ये भी पता था। उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे। जब आप वहाँ पर आपका सीसीटीवी सामने आया था, तो उसमें आपका थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ बहस हो रही थी, किस बात को लेकर बहस हो रही थी? वो हमारी हो रही थी, सुनो, मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूँगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस कान पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर। फिर हम उस मेरे घर के बाहर से हम गए घूमने के लिए रोहिणी साइड के। फिर हम उसके बाद हम रोहिणी साइड घूमे। घूमने के बाद फिर हम उसके घर गए। घर जाने के बाद बकायदा हम उसके घर वर गए। घर जाने के बाद उसने मेकअप करा, थोड़ा बहुत टचअप करा अपने फेस का। फिर मैं तो मेकअप करती नहीं, उसने करा जो भी करा फेस पे। करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद हम सीधा गए वहाँ पे, हम बैठे, खाया पिया, मतलब अपने, उसने फ्रेंड बुलाया, अपना बीएफ बुलाया, उससे बातचीत हो रही थी उसकी। वो होने के बाद जो उनका अंदर का मैटर है वो मुझे नहीं पता जो हुआ उनके बीच। मैं गई बाहर 24/7, उसके दोस्तों ने मुझे निकाल दिया बाहर कि तू जा 24/7। मैं चली गई 24/7। वो लड़की थी सिर्फ अकेली वहाँ पे। फिर वो लड़की थी वहाँ पे और वो बॉयफ्रेंड था उसका। उनके बीच क्या बात हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता। उनकी बात होने के बाद, उन दोनों में बात होने के बाद मैं आती हूँ 24/7 से ऊपर चढ़ती हूँ। वो मुझे बोलती है कि ना निधि मुझे घर जाना है। मैंने क्या हुआ, कह रही मुझे घर, 2 बजे की बात है ये, मुझे घर जाना है। मैंने क्या हुआ, और मुझे घर जाना। हम नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद मैंने कहा मैं ड्राइविंग करूंगी, उसने कहा नहीं तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हम दोनों में इस बात पे थोड़ी वो रही थी कि मैं ड्राइविंग करूंगी, वो कह रही मैं करूंगी बस, ठीक है। फिर हम उसके बाद हम सीधा ड्राइविंग करते करते हम सीधा अपने घर जाने के लिए निकल चुके। निकलने के बाद हम कट में मुड़े, वहां से सामने से गाड़ी आ रही थी और हमारी स्कूटी जा रही थी। तो सामने से जाने के बाद वो एकदम टक्कर हुई, वो जो मेरी फ्रेंड थी वो आगे की तरफ गिरी, इसलिए उसका वो नीचे कनेक्टर साइड, जो इधर ड्राइविंग साइड है इधर कनेक्टर साइड, वो फंस गई। फिर मैंने गार्ड पीछे बैठ के गाड़ी रुकवाई, ब्रेक दे के गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के बाद फिर हम गए आगे। जाने के बाद हमने क्या करा, वो गाड़ी आ रही थी ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें।
लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, ठीक है। लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। बोलने दो यार, आप ये बताइए, आप बताइए फिर क्या हुआ। बोलने दो यार, बोलो बोलो क्या हुआ। फिर कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, ट्रेनों हैं तो गाड़ी, हम ले लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाई जान उनके नीचे एक लड़की है, लड़कों ने जान पूछ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर मैं चली गई। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी दो बार आगे लेके गई, दो बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी, उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था, वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीटते ले गई, फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को, वजह क्या थी? सवाल ये डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों की जानते हैं, बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि उस वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा, तो अच्छा। निधि एक चीज बताओ, जरा एक चीज बताओ, आपने चार लड़कों से बात की थी, वो चार लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे कौन? वो बलेनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के बाहर खड़े थे वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। होटल के कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों की? नहीं, वो एक अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ निधि, अच्छा निधि सर धक्का मुक्की नहीं, सर निधि एक बात ये बताओ, वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनके पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था, क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस टाइम पे। आपने कुछ बोला था निधि ने ऐसा? अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, ठीक है।